अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मैं सच की तलाश में आगे बढ़ रही और मैं किसी भी हद तक जाऊं कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि ना ही मुझे अब किसी बात का डर है और ना ही किसी की शर्म। अगर मैं इस रास्ते में मर भी गई ना तो भी एटलीस्ट अपने पापा की नजरों में शर्मिंदा नहीं होंगी। हम लोग तुझसे कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरी हर बात से सहमत हैं। मैंने माना कि शायद हो सकता है कि कबीर की गलती हो, लेकिन एक बार उसकी बात तो सुन ले, वो क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, एक मौका तो दे उसे। I think Ronnie is right. कबीर सर तेरे दुश्मन नहीं है यार। अनन्या, उन्हें सच में तेरी चिंता है यार। तुम में से किसी के पापा का मर्डर हुआ है? अच्छा सनी, तू बता रोनी। नहीं ना, आई विश कि ऐसा कभी हो भी ना किसी के साथ, पर मेरे साथ हुआ है। मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तुम लोग जिसकी साइड ले रहे हो ना, वो उन कमीनों को सजा दिलवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो प्लीज, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। They are not stop me this time. वो आज ही का इंटरव्यू लेने मैं जा रही हूँ रिचा। कुछ से कुछ भी पूछे तो ये दे देना। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन। और कोई कुछ भी पूछे तो कह देना कि मैंने धमकी देकर, जबरदस्ती करके, धोखे से तुझसे इंटरव्यू ले लिया है। और इस बार मैं कोई रिक्वेस्ट या कोई परमिशन नहीं मांग रही हूँ। इस बार तुझे समझना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी। मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो प्लीज। बस जो है वो ऐसा ही है। नहीं तू चल मेरे साथ। अभी बहुत गुस्से में, किसी की बात नहीं सुनेगी। तनी तू जा, तू जाएगा ना तो ठीक होगा। वैसे भी जो होगा देखा जाएगा। ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि उसका गुस्सा गलत है या उसकी डिसअपॉइंटमेंट गलत है ना? तो तू प्लीज जल्दी जा। ओ नो 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 नो, केल केल केल, लिसन टू मी। अगर सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती ना तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करता। यू नो दैट राइट? इस सिचुएशन का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। जो यहाँ चल रहा है ना केल, अगर वैसे ही चलते रहा तो केकेएन बहुत जल्द बंद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। यस। ये आरजी साहब का कैबिन कहाँ है? अपॉइंटमेंट लिया आपने? केकेएन से आए हैं उनके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कैमरे की जरूरत पड़ती है ना? ठीक है मैम, आप जाइए अंदर, सर बोलेंगे तो मैं इनको अंदर भेज दूंगी। कुछ भी हो तो चिल्ला दियो, बाकी सब मैं देख लूंगा। Excuse me. Hello. आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए, आइए।
आइए। मैं के एन से आपके इंटरव्यू के लिए आई। जी जानता हूं मिस कश्यप, मिस अनन्या सुधीर कश्यप, राइट? पहचान तो मैं आपको तभी गया था जब मेरी सिक्योरिटी ने ये वीडियो दिखाया था तुम्हारा। आप ही है ना? ये वीडियो देखते ही मैंने श्रेया को फोन किया था। हेलो श्रेया, तुम तो न्यूज चैनल वाली हो, एक बात तो बताओ, कल रात हमारे ऑफिस में एक लड़की घुस आई। इसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे चैनल में उसे देखा है। अनन्य? अनन्य नाम है उसका, बहुत प्यारा नाम। अनन्या सुधीर कश्यप पूरा नाम। ओ इनफैक्ट आरजी, अनन्या को लगता है कि उसके पापा बेगुनाह थे और उनका मर्डर किया गया है। अरे तो मैंने करवाया था उनका मर्डर, कितनी गलत बात। भेजो भेजो उसे मेरे ऑफिस में इंटरव्यू के बहाने। गलत फहमिया तो दूर करनी पड़ेगी ना। या शॉप तो मिस अनन्या, आप मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं कि आपको लगता है? लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने आपको बुलवाया है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जी कबीर और श्रेया दोनों आपके लिए काम कर रहे हैं, समझ गई। कबीर तो पहले ही कर रहे थे, अब श्रेया भी जुड़ गई। अनन्या जी, आपने नोट नहीं किया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? आप बिना परमिशन हमारे ऑफिस में, हमारे रिकॉर्ड रूम में आ गई, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आप हमारे पुराने एम्प्लॉय की बेटी हैं। Your family. वो एम्प्लॉय जिन पर आपने झूठा इल्जाम लगवाया, जिन्हें फंसाया, जिनका मर्डर करवा दिया। गलत फहमी है, ये गलत इल्जाम है मुझ पर। नहीं नहीं अनन्या जी, लगता है आपने कोर्ट केस फॉलो नहीं किया। कोर्ट में ये सब कुछ साबित हो चुका है कि मिस्टर सुधीर कश्यप ने दूसरी फार्मा कंपनी से पैसे लिए थे हमारी कंपनी को बदनाम करने के लिए, इसीलिए उन्होंने सुसाइड भी की। और हाँ, एक सुसाइड नोट भी तो मिला था जिसमें उनका पूरा कन्फेशन था, और पैसे भी बरामद हुए थे तुम्हारे घर से पुलिस को, जो उन्होंने दूसरी कंपनी से लिए थे। नुकसान तो हमारा ही हुआ ना, नाम तो हमारा खराब हुआ मार्केट में, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। चाहता तो मानहानि का केस कर सकता था। वाह, क्या कहानी बनाई है आपने। इसी झूठी कहानी के सहारे आज तक बचते आए हैं ना आप, पर अब मैं सच सामने ला के रहूंगी, आई प्रोमिस यू। तुम्हारी माँ और एक छोटा भाई है ना, क्यों खामखा उन्हें दोबारा बदनाम करवाना चाहती हो? इस उम्र में तुम्हारी माँ और बदनामी नहीं सह पाएगी, और तुम्हारे छोटे भाई का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मिस अनन्या, घर जाओ और सोचो। इतने दिनों मैं भी चुप बैठा रहा,
क्योंकि मैं भी ये सब करना नहीं चाहता हूँ। चैन से अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। गुजरी बातों को छेड़ोगी तो सबसे पहले अपने हाथ जलाओगे, समझ रही हो ना? Have a nice day. चल यहां से। चलो बाहर आ गए। लक्ष्मण, अनन्या पर बराबर नजर बनाए रखना। लेकिन कबीर भाई, आप कहां जा रहे हैं? पता था। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि तुम आओगे जरूर। वेलकम बैक। इतने सालों के बाद तुम्हें यहां देखकर बहुत खुश हो, लेकिन साथ साथ एक नाराजगी भी है। तुमने मेरी स्पॉन्सरशिप क्यों डिले कर दी? खालिद भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं कर रहा, जाहिर है तुमने ही कुछ कहा होगा। अनन्या से दूर रहना आरजी, उसे अगर जरा सी भी खरों चाहिए तो सुधीर कश्यप की बेटी को मुझसे और मेरी कंपनी से दूर रखना तुम्हारा फर्ज है। अपना फर्ज निभाओ और मुझे धमकी या नसीहत मत दो। बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने अपना यह अंपायर, किसी को एक पत्थर तक नहीं फेंकने दूंगा। तुम जानते हो ना मेरी खसक गई तो मैं क्या क्या करूंगा। पिछली बार अपना परिवार बचाते फिरे थे, इस बार उसका बचाते फिरोगे साथ साथ। ये ईमानदारी और सच्चाई जितनी अपने न्यूज चैनल में करते हो ना, काफी होती है। जिस तरह चुप थे ना अपने भतीजे की खातिर, अनन्या को कह दो चुप रहे अपने भाई और माँ की खातिर, समझ रहे हो ना? प्यार व्यार करते तुम उससे, मंगनी करनी, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते? अरे कंट्रोल करो उसे, मैं भी कंट्रोल में रहूंगा। अनन्या कुछ नहीं करेगी, वो जो ढूंढ रही है वो उसे नहीं मिलेगा, ये तुम भी जानते हो। जो सच दफन है वो दफन ही रहेगा। फर्स्ट तो फिर बढ़िया है, चाय मंगवा, मसाला चाय पियोगे। केकेएन का सारा स्टाफ धीरे धीरे मेरे खिलाफ होता जा रहा है, स्पेशली ये खालिद के जो खास रिपोर्टर्स हैं, पर ये लोग मुझे अभी तक पहचाने नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ अब तक मेरा एक स्वीट साइड देखा है ना, कड़वी साइड तो अब तक देखी नहीं। ऑफ कोर्स एज यू सेड, बिटर इज द न्यू स्वीट, राइट? मानव, तुम्हारी लॉयल्टीज तो अब भी मेरे साथ ही है ना? ऑफ कोर्स, यू नो ना, मेरी लॉयल्टीज तो कुर्सी के साथ ही। मैं तो कुर्सी की पूजा में बिलीव करता हूँ, वेरी सिंपल, एंड यू नो दैट वेरी वेल, इज़न्ट इट? ऑफ कोर्स, एंड इन फैक्ट को-एडिटर की कुर्सी जरूर तुम्हारी होगी, और उसके लिए एक परफेक्ट प्लान मेरे दिमाग में बन रहा है।
बढ़िया है, जैसे तैयार हो जाए मुझे बता देना। ओके सी। हाँ मानव, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। रियली? लगता है काफी लंबी उम्र है मेरी, आप याद कर रहे हैं मुझे। ओह यस एब्सोल्युटली, पर यहीं केकेएन में या कहीं और, नो आइडिया। आओ। हाय अनन्या, लिसन आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गई। टेल मी, मैं कितना लड़ सकती हूँ तुम लोगों के लिए? एनीवे फॉरगेट इट। रिचा ले आई वो नाटक बंद करो अपना। तुम जो चाहती थी वो मिल गया ना, अभी तक तो फोन भी आ गया होगा राकेश गुप्ता का। व्हाट डू यू मीन? यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे वहां धमकी सुनने के लिए भेजा था ना। बिहेव योरसेल्फ। यू बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मेरी बारी। सो वॉच मी। मेरे पापा मेरी कमजोरी जरूर है पर वो मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। गलत चैलेंज किया तुमने, तुमने मुझे मेरे पापा का सच तो बताया पर अपनी सच्चाई भी दिखा दी। और प्लीज अब अपनी पावर अपनी पोजीशन मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कितनी डरपोक कितनी इनसिक्योर हो ये तो इस बात से पता चलता है कि तुमने ये सब कुछ कबीर को वापस पाने के लिए किया। आई पिटी यू, तुम इतनी डेस्परेट हो कि तुमने मेरी माँ को भी अपने इस गंदे गेम में शामिल करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है जो लोग सीधे होते हैं भोले होते हैं वो कमजोर होते हैं? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब मेरे रास्ते में आके देखो, आई विल डिस्ट्रॉय यू। और जाने से पहले, लक्ष्य यूं तो बहुत ही छोटा सा शब्द होता है लेकिन जिनके पास होता है वही जानते हैं जिंदगी में उसका क्या महत्व होता है। डर शंका हार जैसे शब्द शब्दकोश से मिटा देता है और जिंदगी को एक नई ऊर्जा से संवार देता है।